इम्पैक्ट करते नहीं होगा। मैं बस इसलिए रुका था कि मेरे को नींद आने लगी। हेलो बड़ी, कैसे हो? बहुत बढ़िया। कहाँ से स्टार्ट किया? फोन में वीडियो कॉल में देवानी की, वीडियो कॉल चालू था। वीडियो कॉल तो हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। तो अब हम अपनी एक नई ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हम जा रहे हैं सोमनाथ। ये अपनी बाइक है, अभी मैं खड़ा हूँ मानेसर टोल पे, यहाँ से मेरी राइड स्टार्ट होगी। और अभी तक की ये सबसे लॉन्ग राइड है मेरी, जो मन को मैं करना चाह रहा हूँ, और ये मेरी सोलो राइड है। तो अभी मैंने प्लान किया कि हम सोमनाथ जाएंगे। यहाँ से सोमनाथ अप्रोक्सी 1300 किलोमीटर है, जो कि 24 घंटे का रास्ता भी दिखा रहा है, वो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। उसके बाद सोमनाथ, द्वारकाधीश, गुजरात अपना एक्सप्लोर करके 6 दिन का मेरा प्लान है, तो वो पूरा एक्सप्लोर करके आते हैं और देखते हैं कैसा रहता है। तो बस बाइक में मैंने थोड़ा सा अपग्रेड कराया है कि बाइक में मैंने सिर्फ लाइट लगवाई है, क्योंकि लाइट मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, और इतना अलग से कुछ ऐसा अपग्रेड कराया नहीं है, बट बहुत अच्छी लग रही है बाइक। तो बस अभी थोड़ा सेटअप कर लेता हूँ और निकलते हैं। तो अभी मेरा ये रहेगा कि हर 200-300 किलोमीटर के बाद मैं स्टॉप लूँ और ज़्यादा रुकूँ ना, तो मेरा सुबह तक है कि 4-5 बजे तक मैं पहुँच जाऊँ, उदयपुर पहुंच जाऊँ, क्योंकि उदयपुर वाले रास्ते जाऊँगा। बट पता नहीं, इस ट्रिप में थोड़ा सा स्टार्टिंग में मेरे अंगूठे में लग गया, देखो खून अगर दिख रहा होगा तो खून आ गया। मैं अभी कुछ गिर गया था, उठा रहा था, तो अंगूठे में लग गया नाखून पूरा हो गया। बट चलो महादेव का नाम लेके निकलते हैं, क्योंकि राइड तो हमें करनी है। अभी मैं आपके पास लाइट दिखा दूँ बाइक की कैसे लग रही है। तो इसमें 3 कलर हैं, इसका सबसे बेस्ट मेरे को ये लगता है रात को ना। तो बस चलो अब निकलते हैं, हर महादेव। तो चलो भाई चलते हैं, हर महादेव। 6 बज चुके हैं अभी। हाँ फुल कर, फुल कर दी भाई, होगा इतना तो, बट फुल कर दो फिर। चल भाई बस इतना ही जाएगा, पकड़ के रखना पड़ेगा, कष्ट पर रोक देना। ट्रिप कर देता हूँ मैं 0 वाले, 0 कर देता देता, ये होगी 0।
કરું. નોર્મલ પેટ્રોલ હે કે રેટ હે 108 રૂપિયા. થોડા મહંગા યાર રાજસ્થાન મેં, હરિયાણા મેં તો 97-98 રૂપિયા પૂછે, 11 રૂપિયા ડિફરન્સ. રાજસ્થાન पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है, गुड़गांव से 10,000 रुपये महंगा है. वो भी यहाँ से अभी 70 किलोमीटर बचा हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ अजमेर में इसको पेट्रोल डलाने के लिए मैं रुक गया थे, तो हम अजमेर रुके हैं, वहीं कुछ खा लेंगे. थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है, वहाँ देखते हैं. अभी जो टाइम हुआ है, अभी टाइम हुआ है 10:47, वैसे मेरे को 10 मिनट यहाँ हो चुके हैं. और अभी मैं हूँ अजमेर क्रॉस करके, अजमेर मैंने पार कर लिया है, तो ये मेरा पहला स्टॉप है. तो मैं खाना खाने के लिए रुका हूँ, सोच रहा हूँ मैं खाना खाता हूँ, पहले यहीं पे थोड़ा बहुत खा लेते हैं फिर आगे चलेंगे. तो ये पहले वाला गो तो हमारा बहुत अच्छा था, हमने ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर चल चुके हैं और टाइम हमने लिया 4.5 घंटे क्या अप्रोक्स मेरे को लगा है. बट अच्छा है, आराम से आया, अभी तक कोई ट्रैफिक नहीं मिला और इतना थकावट हो नहीं रही है. तो भी मैंने खाना ऑर्डर किया है, तो खाना देखते हैं क्या आता है फिर. तो उसके बाद राम राम जी. राम राम, क्या हाल चाल? बढ़िया सर. कहाँ से आप? हम सर बालोत्रा शेंद्री. अच्छा, तो आप कहीं? अच्छा, मैं हरियाणा से आया, हरियाणा गुड़गांव. अब मैं जा रहा हूँ आपका सोमनाथ. सोमनाथ गुजरात. द्वारका. द्वारका बहुत बहुत बधाई हो, यात्रा मालिक सफल करे. बस धन्यवाद, यही चाहिए. खाना खा लेते हैं, खाना ऑर्डर किया. आओ खाना खाइए आराम से. तो थोड़ा सा बैक पेन है, हल्का फुल्का. अब मेरा खाना आ जाए तो अभी ऐसे कोई थकान नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं, बस थोड़ा सा हल्का जो बैग टांग रखा है तो उसकी वजह से थोड़ा सा बैग छोड़ना है. तो अब खाना खाते हैं, अब खाना आ जाए. अब खाना खा के मैं ज़्यादा स्टॉप लूँगा नहीं, मेरा टारगेट है कि मैं 15 या 20 मिनट रुकूँगा मैक्स, उसके बाद मैं चला जाऊँगा. वाह, खाना आ गया, धन्यवाद. ये मेरा खाना है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सब्जी बहुत ज़्यादा है, सब्जी बच जाएगी इसमें से. ट्राई करूँगा सारा खाने की, एक बार खाना खा लेता हूँ उसके बाद फिर बात करते हैं, प्लान करते हैं क्या करना है. तो फाइनली डिनर हमारा हो चुका है, रेस्ट मैंने कर लिया, टाइम हो गया 11:25. मैंने सोचा 15-20 मिनट रुकूँगा, ऑलमोस्ट मेरे को आधा घंटा हो चुका है यहाँ पे वेट करते हुए. तो अब सामान लेते हैं और निकलते हैं. अब मेरा यही ट्राई रहेगा कि मैं 200 से 250 किलोमीटर के बाद ही अब जो भी लूँगा, तो इतना तो मेरे को खींचना है. तो शायद अभी मैं यहाँ से कितना बचेगा उदयपुर, उदयपुर पहुँच के या उससे पहले ब्रेक लूँगा, तो जब देखेंगे. आपको कुछ बोलना है मेरी बाइक के लिए? आपने बाइक देखी कैसी लगी? बाइक अच्छी लगी. आप लोग कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए. आप दिल्ली से? मैं दिल्ली से. अच्छा, आप दिल्ली से? ये मेरी बड़ी दीदी है. ओके, अभी आ गया है ना ब्यावर, कितना बचा है यहाँ से? यहाँ से ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर से होगा. ओके, तो आप स्कूल जाते हैं? नहीं, वैसे आप स्कूल में है कॉलेज में पढ़ाई करें? ओके ओके, चलो नाइस टू मीट यू, थैंक यू. तो बस अब निकलते हैं, अपना सामान उठाते हैं और ट्राई करेंगे कि उदयपुर में अगला अपना स्टॉप उदयपुर में लेंगे. पर मेरे बैग में पेन है यार थोड़ा सा. हाँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे पेन हो गया, काफ़ी चला लिया. तो अब यहाँ से निकलने के बाद ही हम देखेंगे, चलो बार अपना सामान पहन लूँ फिर मिलते हैं बाइक पे. क्या भाई ये आगे रखा हुआ इधर? ये हाँ, नहीं ये नहीं, हूँ मोबाइल नक्शे वाला. हाँ, ये मैप चल रहा है इसमें. हाँ, ये बोल रहा, ये मैं बोल रहा सब. हाँ, वो सब इसके अंदर दिखता है रास्ता हमारे. हाँ,
कर दे भाई फुल फुल। बीस पच्चीस बस अब भगा रहा हूँ तो 20 का देती है। तो भाई ये तीसरा कोठा भी हुआ पूरा 40। अब हम चले हैं राजस्थान का, बार बार बता दिए राजस्थान तेल बोल रहा हूँ बोल रहा का मेरा दूसरा स्टे। मैं कोई ऐसा होटल देख रहा था जिसके अंदर खाट मिल जाए मेरे को, कोई मिल नहीं रहा था। अब देखता हूँ क्या है। चाय एक बनवा दे आप। हो चुका है सुबह सुबह और टोटल राइड हो चुकी है 700 किलोमीटर की। मैंने पहला स्टॉप 350 पे लिया था, जो कि 350 पे लिया। यहाँ से माउंट आबू बचा हुआ है सिर्फ 40 किलोमीटर। मैं बैठ कर तो नहीं रहा, मैं बस इसलिए रुका था कि मेरे को नींद आने लगी। क्योंकि कोई ऐसा होटल था देख रहा था, इस पर खाट होगा, खाट तो नहीं मिल गया तो इस पर लेट रहा था। तो क्या है, मैं बाइक दिखाता हूँ। बाइक खड़ी है, चाय के लिए बोला है भाई चाय लेगा थोड़ी देर में। हमने उसका भी तीन बार लगा तो एक पावर नैप लेके निकलने के लिए सोच रहा हूँ, तो देखो क्या होता है। अच्छा तो मज़े आ रहे हैं, थोड़ा सा ये है कि पावर नैप आ गया ना, चीज़ देंगे। तो अभी 600 मतलब हाफ हो चुका है, हाफ बचा है यहाँ से। और ये हाफ होने के बाद पहुँच जाएंगे। तो अभी भी गूगल मैप पे 2:30 बजे तक दिखा रहा था, वेट करूँगा तो उसकी टीम कर देगा वापस। तो चलो तो रेस्ट कर लूँ। चार बज चुके हैं ऐसे ऑलमोस्ट, 4:10 हो गए। 5 मिनट मैंने रेस्ट किया तो बस अब निकलेंगे। अभी मैं हूँ माउंट आबू, यहाँ से आउटर माउंट आबू मतलब माउंट आबू यहाँ 15-10 किलोमीटर कुछ है। और आधा रास्ता निकल गया, आधा रास्ता बचा है तो अब चलते हैं। यहाँ बारिश हुई है हल्की हल्की तो हवा ठंडी है, पेट्रोल का क्या रेट चल रहे हैं 96 हरियाणा से भी सस्ता है, तो हरियाणा से भी सस्ता है राजस्थान में 109 रुपये। Thank you.
दोस्तों, थोड़ी देर बारिश के मज़े लेने के लिए रुके थे, तो उस टाइम को मैंने सोचा यूटिलाइज कर लेते हैं। तो एक सभ्य गुजराती क्या करता है, सुबह सुबह पापड़ा खाता है। ये पापड़ा है, मैं पहली बार खा रहा हूँ। ये चाय है, ये चाय, ये पापड़ा, ये पहली बार खा रहा हूँ। बेसन की चटनी, ये भी पहली बार खा रहा हूँ, बड़ी अच्छा है। ये चाय है 15 रुपये की, ये पापड़ा है 45 रुपीज़ का। तो मैंने सोचा गुजरात में आए यार, गुजराती खाना नहीं खाया तो क्या फ़ायदा। तो ये अच्छा लग रहा है इसका पापड़ा ना। ये कोई वो नहीं है कड़ी, ये है इसकी चटनी बेसन की। खा लिया जो खाना था, वेट भी कर लिया क्योंकि बारिश रुक नहीं रही है, ऐसी हो रही है हल्की हल्की। तो अब निकलते हैं। यार ये देखो कितनी खूबसूरत जगह है, इधर बीच में जाके दिखाता हूँ। ये पूरा रोड है बिल्कुल ब्लैक। ये वडोदरा पार करके अभी यहाँ से 300-350 किलोमीटर बचा है मेरा, और जहाँ तक देखोगे पूरा खाली। ये पता नहीं खेती कर रखे है, जहाँ नहीं वैसे पानी भरा हुआ है। बस बीच में एक होटल है, तो बड़ा अच्छा लगा। मैं काफ़ी देर से ऐसा होटल ढूंढ रहा था कि मैं ऐसा हो खाली जहाँ पर मैं रोकूँ और थोड़ी देर रेस्ट करूँ, क्योंकि अब मैं पूरा 1000 किलोमीटर चल चुके हैं। सबसे जैसे आए थे यहाँ तक पूरा 1000 किलोमीटर हो चुके हैं, अभी भी 400 किलोमीटर समथिंग बचा है, वो जाएंगे राम राम से। बैठे बैठे ना बम सुन हो गए, क्योंकि ये मेरा शायद थर्ड तो बारिश की वजह से रुकना पड़ा था, ये मेरा फोर्थ स्टॉप है। फिर अगर उसको ऐड करते नहीं तो फिर मैं कंटिन्यू चल के आया हूँ 350 उसके बाद। ये देखो किसी ने प्यार लग रही है, बड़ा ठंडा पानी है, अभी दिखाऊंगा पी के। और ये पीछे दूर दूर तक बस ग्रीन टी। तो यहाँ पे लोग सर 3 महीने खेती होती है, ये पानी बारिश का है, ये नहीं बरा का 3 महीने। दिवाली के बाद यहाँ पे खेती करेंगे जब तक गैस ही रहेगी सूख जाए। भाई बहुत शांति वाला एरिया, बहुत पीस है। और ये बता रहे हैं कि पूरा रोड ऐसा ही रहेगा वहाँ तक, सोमनाथ तक। बहुत खूबसूरत रोड है, चलाने में मजा आएंगे।
कैसे हो? बहुत बढ़िया। कहाँ से स्टार्ट किया? आसाम से। अच्छा, तो अभी कहाँ कहाँ कर लिया? आसाम से लद्दाख गया, फिर उत्तराखंड से लद्दाख। अच्छा, उत्तराखंड कराए? हाँ, उत्तराखंड भी कराया, लद्दाख लद्दाख भी कराए। चलो आगे रोकते हैं, बात करते हैं, पेट्रोल पम्प पर रोकते हैं। होता पैसे नहीं दिए होते लोग, मेरे से कहते हैं कि घूमने के लिए पैसे। मोहित रवि, कहाँ से आप? मेरा घर तो ऐसे प्रॉपर बिहार में पड़ता है। बिहार में कहाँ? वैशाली। बिहार में तो कहाँ पड़ा है? तो अभी कहाँ का प्लान है? अभी तो चले जाऊँगा द्वारका से। अच्छा, तो भाई फाइनली इस ट्रिप पे भी हमें भाई मिले हैं, रवि। रवि नाम है ना? जी रवि। ये रवि है, ये ऑल इंडिया कर रहे हैं विदाउट मनी, और भाई की एज भी काफ़ी कम है, मेरे को पता चली। 21 के हो भी आप? जी। कहाँ से स्टार्ट किया था आपने? मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था आसाम गुवाहाटी से, जो कि वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के रास्ते जम्मू कश्मीर, लद्दाख किया था। फिर वापस हिमाचल के रास्ते उत्तराखंड आया हूँ, फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश सेंटर लेते हुए फिर मैं गुजरात में आया हूँ, छोटी उदयपुर से। और अभी हमारा जर्नी का मेन मोटिव है मानवता को प्रमोट करना, और हमें बहुत ही मज़ा आ रहा है यात्रा करने में। और कहते हैं ना कि घर से बाहर निकलो दुनिया बहुत ही रंगीन है, तो वो शायद लगता है कि हाँ, जैसे मैंने लद्दाख में इतने सारे बर्फ़ देखे जो कभी नहीं देखे थे, और इधर आने के बाद थोड़ा सा और भी मतलब बड़े बड़े पक्षी भी देखे हैं, और अभी जाऊँगा उधर तो समुद्र भी देखूंगा, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अलग है, मेरे को तो रोड इतना प्यारा लग रहा है ना, मेरे को इतने मज़ा आए बाइक चला के। मैं कल निकला था रात को 7:30 बजे, अभी तो बीच में रुक भी गया, बारिश हो रही थी, तो 1000 किलोमीटर पूरा हो गया शायद 10 घंटे। भाई का ये यूट्यूब है और इंस्टाग्राम है, इंस्टा पे भाई ज़्यादा एक्टिव है, तो एक बार चेक कर लेना जैसा भी हो। और भाई मस्त कर रहे यार, मेरे को वो लोग बहुत पसंद है जो अपने घूमते हैं ना अपने खुशी के लिए, क्योंकि मैं भी उसी टाइप के लोगों में आता हूँ। बस हाँ, मेरा ये है थोड़ा कि मैं जॉब कर रहा हूँ, तो इसलिए छुट्टियाँ ले लेकर घूमता हूँ, पर मंथ में एक ट्रिप हो जाता है। तो भाई अभी जाएंगे द्वारकाधीश, मैं जाऊँगा सोमनाथ, बट ये द्वारकाधीश 2 दिन में पहुँचेंगे, तो मे बी इनसे द्वारकाधीश में दोबारा मिल पाएंगे, ठीक है। और ये भाई भी है, ये आप नाम बताओ, नाम क्या आपका? शिव पेट्रोलियम। अरे आपका नाम क्या भाई? मेरा लाला भाई मीर। लाला प्रवीण? लाला भाई मीर। लाला भाई मीर, हाँ। लाला भाई मीर है पेट्रोल पंप भाई का। शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सबकी दुआ है। हाँ। भाई बहुत अच्छा इंसान है, थैंक यू भाई, मोस्ट वेलकम। चले भाई, चले भाई, अच्छा लगा बहुत मिल के आपसे ना, कभी गुड़गांव में आओगे तो फिर दोबारा मिलेंगे, ठीक है, टच में रहना, बात कर लेंगे हम, ठीक है ना। और लगी तो नहीं भाई, साथ में कोई अकेले थे? फोन में वीडियो कॉल में देवा नहीं की, वीडियो कॉल चालू था, वीडियो कॉल
कैसे होगी? मैं अपनी स्पीड पे था, मैं आई स्पीड में गाड़ी तो सबको दिखाई दी यार, आपको नहीं दिखाई दी? ये सब चल रहा है, देखो स्पीड पे चला मैं। हेलो हेलो भाई, स्पीड पे हाईवे पे इतनी बड़ी स्पीड थोड़ी चाहिए, होनी स्पीड એટલે બહુ થઈ ગયું, હોની સ્પીડ કંટ્રોલ થઈ જ જાય, 160 ની સ્પીડ આમ તો નો કહી દે રામા, આ તો ઢોર ગા તે માણા હોય તો મારી નાખે, એટલી સ્પીડ માં કઈ કોદી ગાડી તો માણા માં નાખે। अरे जितने में गाय आगे बीच में आ रही है, यहाँ पे देखो आधे से ज्यादा में यहाँ पे खड़ी हुई है, कम से कम 80-90-100 नी स्पीड होनी चाहिए, 100 से ज्यादा स्पीड नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, अभी वही ध्यान रखेंगे क्या? अरे यार तुम सब न्यूज में व्हाट्सएप में सभी जगह पे देखते हो, अभी तो वही कर रहा हूँ ना, अभी क्या तुमको ये बोलना चाहिए? नहीं, तुम कोई छोटे आदमी तो हो नहीं, तो फिर तुमको ये बोलना चाहिए दिमाग में नहीं आ रहा, मैं अभी रास्ते में जा रहा हूँ, अभी देखो सारी ये टर्न ले रही है, वो आगे उस तरफ में आ गई, सीधी खड़ी होगी, मुड़ने के बाद भी सिर्फ ये जगह पे आई है ना, उधर पे नहीं आई है, बीच में आती तो मैं बीच में लगता, वो सीधी हो गई गाय। दीदी धीमे ही की थी, ठीक है, थैंक यू। अभी यही होना बन रहा था, ये भी टूट गया, पता नहीं कैसे गिरा, और सारा पूरा उसके कवर के अंदर था, कवर कहाँ हो रहा कवर यहाँ पड़ा और वो वहाँ पे पड़ा, इसमें बंदी है मेरी। और ये यहाँ से टूट गया, ये पूरा टूट गया, हम वहाँ जाके देखेंगे कुछ काम का लग सकता है, मुझे लगता नहीं है कि इसमें कुछ बदला होगा, काम के लिए डांट लगी तो नहीं किसी को, एक्सीडेंट हो गया, लगी तो नहीं किसी के, कहाँ है वो इनकी गाड़ी, वो कहाँ गए, गए कब हुआ? मैं आ रहा हूँ हरियाणा से, फॉलो कर, फॉलो कर इंस्टाग्राम आईडी, आईडी मारे नहीं, कौन सा गांव है ये, हैं ये कौन सा गांव है, चलिया थर चुनागढ़, चुनागढ़ हरियाणा, हरियाणा दिल्ली मान लो, दिल्ली से लगा लो, गुड़गांव से आया हूँ, चलो देख रहा था, बहुत एक्सीडेंट मिलते हैं इधर, तुम्हारे साइड रोड पर बहुत एक्सीडेंट होते हैं, वीडियो किस पे आएगा, यूट्यूब चैनल आएगा, हाँ बिल्कुल, मैं भी आ जाऊँगा, आएगा भाई, नाम बता दो अपना, नाम बताओ अपना, नाम को
गलती किसकी, मतलब ये उधर कैसे चला गया? ये पीछे से ठोका है इसको, दोनों इससे नहीं जा रहे हैं। अच्छा, वो पलट गया। इसकी 50 की स्पीड थी, इसकी 120 130 थी, उसको पीछे से। तो क्या फैमिली थी कोई, दो लड़के थे? इसमें 3 लोग थे, निकल गए, चले गए, लगा नहीं किसी को कुछ। ठीक है भाई, मिलेंगे वापिस आए तो। थैंक यू। कौन सी गाड़ी है? BMW। हाँ, BMW। फुल कर दो भाई, फुल या कट मारे मारो हो जाना। हरियाणा से हरियाणा से सोमनाथ जा रहा हूँ। हरियाणा से है, हरियाणा 14 14 14 कल चला था रात को 7 बजे, कल रात को 7 बजे निकला था दिल्ली से। कितना बजे? 7 बजे दिल्ली थी। हाँ, डायरेक्ट आया है? डायरेक्ट, बीच बीच में आराम से चाय पी पी। ओके, तो फाइनली मैं होटल पहुंच गया। मैंने नीचे अपनी एंट्री कराई, मैंने इतना रिकॉर्ड नहीं किया, कल देखेंगे। मैं एक बार रूम का दिखाता हूँ क्योंकि इसका बुरा हाल होने वाला है, तो इसलिए मैं सिर्फ रूम दिखाता हूँ। ये एंट्री है, ये वॉशरूम है, सिंपल सा अच्छा सा वॉशरूम है सब कुछ। और ये मेरा रूम है, बेड। बस मेरे को ये चाहिए था स्टडी टेबल, तो इसलिए मैंने ये किया। और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, बाहर का व्यू आता है पूल का, पूरा देखो यहाँ से पूरा पूल का व्यू आता है। और इधर से अगर इसको पूरा ओपन करते हैं, रात को करेंगे, तो यहाँ पूरा होटल पूल का इस साइड का और आगे का मेन रोड का व्यू आता है यहाँ से। अभी रहने तो अभी ऐसे चला है, तो ऐसे ऐसे रूम है। मैं पहले कुछ और प्लान कर रहा था, बट फिर मेरे को अच्छी डील मिली, तो मैंने ये रूम यहाँ पे होटल ले लिया, क्योंकि मैं थक बहुत गया था और मैं आके यहाँ ढूंढना नहीं चाह रहा था। तो इसलिए अपनी हालत कुछ ऐसी है, काला वैसे लाइट की वजह से लग रहा है, काला हूँ नहीं इतना। और बस अब लैपटॉप तो सामने गिरा लिया है, वीडियो एडिट करेंगे। और सबसे पहले वीडियो अभी नहा लेता हूँ, फिर कुछ खाने के लिए ऑर्डर करूँगा, साथ में वीडियो एडिट करूँगा, वीडियो एडिट करके अपलोड पर लगा दूँगा। तो ट्राई करूँगा कल सुबह 9 बजे आप सबके पास वीडियो आ जाए। तो प्लीज़ एक बात और कर लीजिए, यहाँ पे ना इस साइड भी कभी भी अगर आते हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो मेरे को बड़ा दुख हुआ देख के ना, बहुत प्रॉब्लम जो हुई कि रोड पे ना इतने एनिमल्स, डॉग्स और काओ तो इतनी मरी हुई है ना भाई, क्योंकि इतनी काओ हैं, कभी भी और रात को आगे आ जाती हैं गाड़ी। एक तो मेरे सामने आ गई गाड़ी वाले, मैंने अपने देखा भी होगा आप लोगों ने। तो यहाँ रोड बहुत खूबसूरत है, बट उतना ही डेंजरस है दो चीज़ों की वजह से। पहला, ये जो एनिमल है, या फिर तुम एनिमल के लिए तुम डेंजर हो, तुम्हारे लिए वो डेंजर है, क्योंकि उनको भी नहीं पता ये चीज़। दूसरा, इस पूरे रोड पे ट्रक चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पोरी बंदरगाह है, तो यहीं से सारे ट्रक जाते हैं। तो गुड़गांव से जो भी ट्रक रास्ते मिलते हैं आपको उदयपुर के बाद, तो सिर्फ ट्रक ही मिलते हैं पूरी रात को। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनको थोड़ा सा ध्यान में रख के आना पड़ेगा। वो थोड़ा मेरे को अनसेफ लगा, क्योंकि एक दो बार ट्रक के साथ भी ऐसा हुआ, काओ का भी फिर ऐसा हुआ, तो मैं खुद नॉर्मल चला रहा था। और भाई कल मिलते हैं।